देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में एक पखवाड़ा गुजर जाने के बाद भी छात्रों की परेशानी का हल फिलहाल सरकार नहीं निकाल पाई है। जहां बिना कुलपति के विश्वविद्यालय के सारे काम पूरी तरह से ठप हो चुके हैं, वहीं विद्यार्थी भी त्रस्त हो चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में धारा 52 लगने की एक पखवाड़ा गुजर जाने के बाद भी सरकार कुलपति की नियुक्ति को लेकर उलझी हुई नजर आ रही है। आलम यह है कि काम ठप और छात्र त्रस्त नजर आ रहे हैं। दरअसल कुलपति की नहीं होने से मुख्य रूप से यूजी और पीजी के वह छात्र जिन्हें विदेश जाना है या फिर नौकरी करनी है, उनको डिग्री नहीं मिल रही है। साथ ही नकल प्रकरण यूएफएम के मामले में भी 50 से अधिक एकत्र हो चुके हैं। वहीं सबसे अहम और जरूरी एग्जामिनेशन को लेकर बनाई जाने वाली कमेटी में कुलपति का रोल अहम होता है। डीएवीवी के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आशीष तिवारी से चर्चा की गई तो उन्होंने रूटीन के काम ठीक से चलने की बात कही। अभी जो हमारे पास में विद्यार्थी आ रहे हैं परीक्षा संबंधित विषय लेके, उसमें मुख्यतः डिग्री का मामला है। कुछ स्टूडेंट्स को जो विदेश में पढ़ने जाना चाहते हैं, उनको डिग्री की आवश्यकता है, तो खास वही विद्यार्थी आ रहे हैं कि उनको डिग्री नहीं मिल पा रही है। हम लोगों ने उनके लिए प्रोविजनल डिग्री की व्यवस्था करी है, तो प्रोविजनल डिग्री और मार्कशीट के आधार पर वो अपना जो भी उनको बताना है जो रिजल्ट है वो उसमें बता के अपना कार्य कर सकते हैं। फिर भी उनकी डिमांड अभी डिग्री की, मुख्यतः डिग्री का विषय है। कुछ दूसरे विषय हैं जिसमें यूएफएम केसेस है, उसके ऊपर थोड़ा डिसीजन में मुश्किल होना जा रहा है। एवरेजिंग के केस होते हैं, एग्जामिनर पैनल के जो केसेस हैं उसमें मुख्यतः अभी थोड़ी हमें दिक्कतें जा रही हैं, क्योंकि उसमें माननीय कुलपति जी की साइन होना जरूरी होता है, तो उसीलिए हम अभी उनका वेट कर रहे हैं। जब आ जाएंगे तो हम तुरंत उसका कार्य करेंगे। यूएफएम के तकरीबन 50 मामले हैं जो कि अभी पेंडिंग है, और जब उसमें क्योंकि अपने मुख्य रूप से वाइस चांसलर सर की अनुमति होना जरूरी होता है, इसलिए हम उनका वेट कर रहे हैं। क्योंकि पीजी में कुछ विद्यार्थियों की एवरेजिंग करने होते हैं, जिसके अंदर जो कुछ के एग्जामिनर्स के पैनल हैं उसमें विशेष आपकी ज़रूरत होती है, तो वो एवरेजिंग के केसेस में, पैनल के केसेस में कुछ विद्यार्थियों को प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उनका वेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वो आते हैं तुरंत ये वाले मुख्यतः पहले यही कार्य करवाएंगे, उसके बाद ताकि बच्चों की समस्या का सुलझा हो सके। कुलपति की गैर मौजूदगी में विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्रवाई और दैनिक कामकाज प्रभावित होने लगे हैं। वहीं सूत्रों की माने तो कुलपति के इस पूरे मामले में राजभवन में मंथन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।